आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हमारी चुनावी यात्रा आज देवरिया पहुंची हुई है। देवरिया वो जगह जो देवराहा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, देवरिया वो जगह जो कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, देवराहा बाबा वो जिनके आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और जब वो अपना आशीर्वाद देते थे तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक पहुंच जाता था। और इस जगह को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चीनी मिले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक अपेक्षाओं की वजह से अब यहाँ की जो चीनी मिले हैं वो बंद हो चुकी हैं। और लगातार यहाँ पर गन्ना किसान और चीनी मिलों के नाम पर प्रत्याशी चुनाव लड़ते आए हैं। इस वक्त हम देवरिया की देवरिया सदर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं। यहाँ से कांग्रेस के पुरुषोत्तम नारायण सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो लगातार कांग्रेस की योजनाओं पर, कांग्रेस के संकल्प पत्रों पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और इस वक्त पुरुषोत्तम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार जनता का जनसमर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन देवरिया सदर जिस विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं, वहां से अगर चुनौतियों की बात की जाए तो कौन सी वो प्रमुख चुनौतियां हैं और कौन कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं, अगर आप जीतते हैं तो उन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे? चीनी मिल, मैं पुरुषोत्तम नारायण सिंह 337 विधानसभा देवरिया कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और मजबूती से मैं विकास के नाम पर लड़ रहा हूँ। आज कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया तो उसको भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने नाम बदल कर अपना काम कर रही है। हमारे पास विकास के मुद्दे हैं, नगर पालिका देवरिया को नगर निगम बनाना, नगर विकास प्राधिकरण बनाना, गौरी बिहार को तहसील बनाना, वहाँ बस अड्डे का निर्माण करना, और नगर पालिका देवरिया को नगर विकास प्राधिकरण बनाना, और यहाँ के रोजगारों को रोजगार देने का काम चीनी में देवरिया, पैतालपुर, गौरी बिहार, भटनी, चीनी मिल चलाने का काम है। हमारी सरकार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में रहेगी। हम विकास की लड़ाई लड़ते हैं, हम विकास के लिए लड़ रहे हैं। इन लोगों का विनाश का काम है, इन लोगों के पास कोई योजना नहीं है। हम सबका विकास, सबका काम करेंगे। और मोदी और योगी का नारा है कि सबका विकास, अपना विकास। अच्छा, मैं ये कह रहा था, 5 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार का ये दूसरा टर्न में, उत्तर प्रदेश और देवरिया, क्योंकि लगातार जहां जहां ये सीनियर लीडर जा रहे हैं बीजेपी के, वो साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि जो काम हमने कर दिया वो कांग्रेस कभी नहीं करी थी अपने कार्यकाल के दौरान। देवरिया की बात करी जाए या उत्तर प्रदेश की बात करी जाए, लगातार योजनाएं जो है वो गिनाई जा रही है सरकार की, कितना प्रभाव हुआ है 5 साल में, कितना बदला है देवरिया? कोई बदलाव नहीं हुआ। जल जमाव यहाँ का मुख्य समस्या है, अतिक्रमण यहाँ की मुख्य समस्या है, बेरोजगारी मुख्य समस्या है, किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना मुख्य समस्या है, नौजवानों के हाथों काम मिले, जितनी बेकारी सरकार में बढ़ी है किसी सरकार में नहीं बढ़ी होगी। ये झूठ बोलते हैं, राम और नाम के नाम को बेचते हैं। हम राम नाम के नहीं बेचते हैं, हम भगवान शिव के भक्त हैं, और कांग्रेस के किए हुए कार्यों को ये अपना नाम बदल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बेल, खेल, रेल सब बेच दिया इन्होंने। मोदी आए हैं देश में, गरीबी महंगाई इतनी चरम सीमा पर बढ़ी है, महंगाई का तो कोई आंकड़ा नहीं है। महंगाई तो इस कदर बढ़ा है कि महिलाएं कह रही हैं कि आए मोदी जी ये जूता से मार ले, महिलाएं गांव में गाली दे रही हैं। तो ये जो आपने राम का जिक्र किया, राम के नाम पर इस बार का भी चुनाव बीजेपी लड़ रही है, क्या उससे कोई फायदा? झूठ बोल रही है। मंदिर तो हमने बनाया, मंदिर हम बनाएंगे, मस्जिद का निर्माण भी करेंगे, मंदिर का भी निर्माण करेंगे, सबका विकास करेंगे, सारे गरीबों का विकास करेंगे। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके राज्य में, उनकी सरकार में दो भागों में इस वर्ग को बांट दिया गया, पूंजीवाद और गरीबवाद। जितने उद्योगपति, जितने रुपये के भगोड़े हैं, जितने गमन करने वाले हैं, सारे गुजरात के हैं, सारे ही लोग देश चला रहे हैं। अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह जो कह रहे हैं कि इंटर पास करो और उसमें एडमिशन कराओ, मैं 12 पास करके इंटर में एडमिशन कराओ, कोई मतलब है? जिस देश का प्रधान गृह मंत्री कहता है कि 12 पास करो और इंटर में एडमिशन कराओ, क्या करेगा वो बिना पढ़ा लिखा गृह मंत्री, बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री? हमारे समझ तो नहीं आ रहा है।
देश चलने वाला है। देवरिया की बात करी जाए, आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं, क्या उनके अंदर कोई दमखम, आपकी लड़ाई लग रही है? एकदम लड़ाई लग रही है। एक बाहर से आए हैं, एक आदमी के बारे में जानते हैं, उसी दल से आए हैं लड़ने के लिए, जो आग लगाने का काम करते हैं, घर जलाने का काम करते हैं, मंदिर मस्जिद जलाने का काम करते हैं। एक अभी जेल में थे बंद, वो आए हैं, तो जेल में हम जाते तब ना उनके बारे में जानकारी करते, यही प्रत्याशी है। हमारे कांग्रेस से जिन संकल्पों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है, एक सबसे अहम मुद्दा इसमें है किसानों का, क्योंकि किसानों को लेकर के आप लोग ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था, प्रियंका गांधी आई थी, मैं वहां पर मौजूद था और मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि किसान उत्तर प्रदेश का रात भर सो नहीं पा रहा है, वो अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। वो बछड़े की है, बछड़ों से खेत की चराई की जा रही है, बछड़े छोड़ दिए गए हैं, भैंसे छोड़ दिए गए हैं और उनके रखने कोई व्यवस्था नहीं, गौशालाओं में तमाम कई कई सौ गायें मर गई, उनके पास कोई वाह नहीं। हम विकास के नाम पर हमारी हमने हमारी बहन प्रियंका ने जो संकल्प पत्र लिया है उसको पूरा करेंगे। हमारे सारे राज्यों में जहाँ सरकार हमारी राजस्थान महाराष्ट्र उन सर का वहाँ उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू कर दिया, संविदा के सारे आंगनबाड़ी आशा कर्मी सबको उन्होंने नियमित कर दिया, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी या योगी की सरकार जो कहती है वो नहीं करती है, झूठ बोलती है, राम के नाम पर देश को बेच रही है, ये करने होने नहीं दिया जाएगा। आज जनता खड़ी है, पेंशन समाप्त कर दिया अटल बिहारी की सरकार ने, हमारी सरकार ने सारे राज्यों में लागू कर दिया, पुरानी पेंशन की बहाली कर दिया। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे, नतीजे क्या होंगे कांग्रेस के पक्ष में, कितना मैंडेट इस बार दिखाई दे? हम सारी सीटों को जीत रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में प्रियंका दीदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रियंका गांधी मजबूत लड़ रही है किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों की लड़ाई। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे पुरुषोत्तम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार एक नई बयार चल रही है और वो नई बयार कांग्रेस की है। कांग्रेस मजबूती से उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इस बार देवरिया सदर में किसानों के मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर, जिसमें रोजगार भी है, जिसमें महंगाई भी है, इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखना ये होगा कि नतीजे क्या होंगे, लेकिन हाँ, इस देवरिया सदर सीट पर लड़ाई काफी अहम। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।